अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। हमारा लकी ड्रॉ होने जा रहा है जिसके अंदर हम लोग 70cc मोटरसाइकिल आप लोगों को एक गिव अवे करेंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे हम इस चॉपर के बारे में जो कि 350cc ड्यूअल सिलेंडर कार्बोरेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ वाटर कूल अपसाइड डाउन शॉक के साथ ये बाइक क्रूज़र है जो कि मॉडिफाई किया गया है। इसकी डिफरेंट किस्म की हेडलाइट्स लगाई गई हैं, डिफरेंट ग्रिप्स लगाई गई हैं, रियर टायर इसका 180 है। चाइनीज़ चॉपर के अंदर आपने 180 रियर टायर नहीं देखा होगा, इसका रियर टायर 180 का लगा हुआ है और फ्रंट का इसका टायर जो है वो 150 का लगा हुआ है। तो आज इस बाइक के बारे में बात करेंगे, इसका साउंड टेस्ट करवाएंगे और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। जी व्यूअर्स, ये हैं फ्रंट लुक्स ऑफ दिस क्रूज़र। इसके अंदर ड्यूअल LED बेस्ड प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट लगाई गई है, उसके अलावा इसके अंदर स्विच ऑफ करने अपसाइड डाउन शॉक फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं, पावरफुल अपसाइड डाउन शॉक लगाए गए हैं फ्रंट के ऊपर। इसके अंदर 150/70/17 का टायर इंस्टॉल किया गया है। फ्रंट के ऊपर ड्यूअल डिस्क ब्रेक व ड्यूअल पिस्टन कैलिपर की ऑप्शन आपको दी जाती है। उसके अलावा वाटर कूल है, ये आपको रेडिएटर नज़र आ रहा है। आफ्टर मार्केट इसके अंदर लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं दोनों साइड्स के ऊपर, जो कि इसकी रोड के ऊपर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती हैं। उसके अलावा डिजिटल मीटर यहाँ पर हमें दे दिया जाता है, आप देख सकते हैं, और एग्जैक्ट माइलेज भी आपको बताते हैं इस बाइक की, जो कि 5900 किलोमीटर इस बाइक की माइलेज है। डिजिटल मीटर दिया जाता है जहाँ पर आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन दी जाती है, RPM की और स्पीड की ऑप्शन दी जाती है। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको दे दी जाती है। आफ्टर मार्केट क्रोम की इसके अंदर आपको ग्रिप्स लगाई गई हैं। उसके अलावा 350cc ड्यूअल सिलेंडर वाटर कूल इंजन कार्बोरेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, और ये बाइक 36 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। ड्यूअल एग्जॉस्ट है इसके अंदर और बैक साइड से ऊपर आगे ये एग्जॉस्ट दोनों साइडों के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि दोनों साइडों के ऊपर आपको एग्जॉस्ट नज़र आ सकते हैं आ रहा है। खूबसूरत एग्जॉस्ट लगे हुए हैं दोनों साइडों के ऊपर और काफ़ी अच्छी साउंड है। साउंड टेस्ट भी आपको दिखाते हैं। बैक के ऊपर आपको LED बेस्ड लाइट दे दी जाती है। रेल टायर की अगर बात कर ली जाए तो रेल के ऊपर 180/55/17 का टायर लगाया गया है। रेल के ऊपर आपको एक पावरफुल डिस्क ब्रेक दी जाती है विद ड्यूअल पिस्टन कैलिबर। दोनों साइडों के ऊपर आपको इसके शॉक्स दिए जाते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर आपको सीट दे दी जाती है, जो कि दो बंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। टैंक के ऊपर एक अच्छा स्टिकर लगा हुआ है स्कल एडिशन टाइप का, और साइड से लुक्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके अलावा टेल के लिए, नंबर प्लेट के लिए स्पेशल टेल यहाँ पर लगाई गई है, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको क्रोम बेस्ड चेन कवर मिल जाता है। 5-speed रिवर्स ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको गियर दिया जाता है, और अगर इसके टैंक की बात करें, फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, तो इसके अंदर 16 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी मौजूद है। उसके अलावा आफ्टर मार्केट जो लाइट्स लगाई गई हैं वो यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लेदर से स्विच आपको दिए गए हैं डिफरेंट, उसके अंदर फ्लैशर की ऑप्शन भी मौजूद है और स्ट्रेट लाइट्स ऑन करने की ऑप्शन भी मौजूद है। ओवरऑल एक अच्छा खूबसूरत बाइक है, अच्छा खूबसूरती से कस्टमाइज़ किया गया है। 2019 का मॉडल है और जॉन्क्शन का बना हुआ ये बाइक है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। माइलेज आप देख सकते हैं, चलते हैं अब आपको उसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने रिव्यू देखा इस चॉपर का, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जॉन्क्शन का बना हुआ चॉपर है, 350cc ड्यूअल सिलेंडर और इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड है, और इसकी प्राइस 5,75,000 रुपये, 5,75,000 रुपीज़ डिमांड की जा रही है। इसको परचेज़ करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स
सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विजिट भी कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप हमारे से रब्ता भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।